ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਕਾਲਜ ਕੋਐਡ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ घबराने की कोई जरूरत नहीं है प्रेगनेंसी के बाद ऐसा होता है क्योंकि पेल्विक फ्लोर के मसल वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस की शिकायत रहती है तो कैसे ठीक होगा डॉक्टर ये कीगल एंड कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने से ठीक हो सकता है इससे आपके पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन हो जाएंगे और यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैम प्रोसेस क्या होगा आपको कुछ थेरेपीज दी जाएंगी एक्सरसाइजेस किए जाएंगे प्रिकॉशंस भी यूज करने होंगे एंड कुछ होम एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड की जाएंगी कितने देर चलेगी मैम ये ट्रीटमेंट इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप अपने ट्रीटमेंट को लेकर कितने पंक्चुअल हैं और अपने प्रिकॉशंस कैसे यूज करते हो क्योंकि जितनी जरूरी ट्रीटमेंट है उतनी ही जरूरी प्रिकॉशंस लेना ओके डॉक्टर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये फिजियोथेरेपी कितनी मुश्किल है यार हमें तो ये कोर्स लेना ही नहीं चाहिए था हाँ यार पता नहीं कहाँ फंस गए पता नहीं क्या अब एग्जाम्स के कुछ टाइम पहले का सीन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स एग्जाम की टेंशन को लेकर सीनियर्स के पास जाते हैं गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम एग्जाम सिर पे हैं हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें कैसे पढ़ें क्या ना पढ़ें यस मैम इतना ज़्यादा सिलेबस है कैसे लर्न करें मैम प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर दो डोंट वरी आप सब कर लोगे आप पास भी हो जाओगे अच्छे नंबर से हमने भी तो फर्स्ट ईयर क्लियर की है कुछ मुश्किल नहीं होता है मैम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नोट करवाने जा रही हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपकी बहुत हेल्प करेंगे ये वाला टॉपिक कर लेना ये वाला टॉपिक भी कर लेना इसे भी अच्छे से करना है ये तो ज़रूरी कर लेना इनके फ्लो चार्ट भी बना लेना पॉइंट्स भी लिखना सर ओके फर्स्ट ईयर ऑल द बेस्ट थैंक यू मैम गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग ग्लैड जॉब पढ़ाई कैसे चल रही है कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यस मैम टॉपिक समझ नहीं आ रहे कि कौन सा करें कौन सा ना करें घबराओ मत बच्चों मैं आपके टीचर्स को बोलती हूँ वो आपकी हेल्प करेंगे आप सब अच्छे से पढ़ लो ओके ऑल द बेस्ट बच्चों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बैठ जाओ कितना मेरे एग्जाम से तैयारियाँ हो रही हैं कोई दिक्कत परेशानी हाँ जी मैम थ्योरी ज़्यादा क्लियर हो गया बट प्रैक्टिकल्स की बहुत टेंशन है पता नहीं एग्जामिनर्स की डाल रहा है प्रैक्टिकल मैं है ही है ना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो अटेट एग्जाम्स की तुम बस आराम ना करो मेहनत करो मैंने सारे नंबर बढ़िया चाहिए आ रिजल्ट बढ़िया आने चाहिए आ चलो ऑल द बेस्ट ओके बेटा हाँ तो कैसे गए एग्जाम्स किसी को कोई डाउट तो नहीं किसी सब्जेक्ट को लेकर मैम आपको रिजल्ट को ही रेट है फिर पता चलेगा मैम रिजल्ट कब आएगा आ गया है रिजल्ट क्या रिजल्ट आ गया हाँ आज ही आया है रिजल्ट कैसा है मैम रिजल्ट प्लीज मैम बताओ जल्दी से कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी पास हो गए जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर का सफर तय हो गया शुरुआत में इन्हीं बच्चों को लग रहा था कि हमने फिजियोथेरेपी अडॉप्ट ही क्यों किया लेकिन धीरे धीरे इनको सब इजी लगने लग गया है और देखिए वो अपने प्रोफेशन को किस तरह एंजॉय करते हैं आप सबने हमारे सीनियर्स ने प्रिंसिपल मैम ने डायरेक्टर मैम ने हमको इतना सपोर्ट किया थैंक यू सो मच मैम अब तो मैम आप सबको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करना इस कॉलेज से आप सब से बहुत लगाव हो चुका है हम आप सबको बहुत मिस करेंगे मैम कोई विल मिस यू मैम फोर्थ ईयर टेकिंग सेल्फी विद सोलन मैम
देंगी। आपके इंडक्शन प्रोग्राम में आकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ। और जब नए चेहरों से मिलता हूँ तो नए मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे बेटियाँ हैं यहाँ पर सेंट फिलिप कोवर्ट डिग्री कॉलेज पे जो फिजियोथेरेपी करने के लिए आए, उनके चेहरे की जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। और ये रौनक मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी रौनक आपके चेहरों पर हमेशा बनी रहे और आप इसी तरह से मुस्कराते रहें, खिलखिलाते रहें और अपने साथ दूसरों को भी खुश रखें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप सबके लिए एक बहुत ही एक खुशियों वाला दिन है कि आपकी इंडक्शन हो रही है। जैसे अभी बिटिया ने पहले बताया था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम आपके स्कूल एजुकेशन से आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन की ओर और प्रोफेशनल एजुकेशन से फिर आपके करियर की ओर। तो ये जो प्रोफेशन आपने चुना है, पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है आज के दिन कि हम किस तरह से मेडिसिन्स के अलावा भी अपने आप को क्योर कर सकते हैं। और जहाँ तक हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो फिजियोथेरेपी जो एक और योगा और फिजियोथेरेपी, क्योंकि इकट्ठा मैच इनका चलता है हमेशा से और पूरी दुनिया आप इसको जान चुकी है कि योगा और फिजियोथेरेपी के साथ हम किस तरह से बिना मेडिसिन्स के अपने जितनी भी बीमारियां हैं उनको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। और इसकी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन इसमें एक और सेंसिटिव चीज़ भी है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं तो आपके लिए एक जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। ज़िम्मेदारी इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब आप फिज़िकली किसी को ट्रीट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलत या कुछ ऐसी चीज़ें होने के बहुत से चांसेस रहते हैं। अगर हमने मान लीजिए किसी चीज़ को दबाना है या प्रेशराइज देना है, कितना प्रेशर देना है, किस जगह पे प्रेशर देना है, अगर हमारे थोड़ी सी चूक हो जाती है तो हो सकता है कि उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर की वो जो मर्ज है, वो बीमारी जो है उसके साथ शुरू हो जाए। तो मैंने कई बार देखा है बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट के पास में गया या बातचीत होती रहती है, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो उसको सही ढंग से ना करके जोश के साथ करते हैं। तो कई बच्चे मैंने देखे, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, बाकी आपके टीचर्स आपको बताएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने जोर से दबाएंगे, जोर से ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो कुछ शायद कुछ ज़्यादा और फर्क पड़ जाए, सचमुच हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं उनकी जिक्र को नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे बच्चे से मैंने उनसे वैसे ही कहा कि ट्रीटमेंट करके दिखाओ तो मैं तो दबा दबा के इतना हाल कर दिया। तो इन चीज़ों को समझते हुए आपके अंदर जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो तीन चीज़ें हैं आपकी, सबसे पहले आपके करियर के अंदर एडवांसमेंट्स, करियर एडवांसमेंट्स इस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा है। बड़े रो सेंट्स ऑल द टाइम्स नाल फेसबुक और यूट्यूब पे कैमरामैन गगन दिनाल कोमल।